यूपी नगर निकाय चुनाव के ओबीसी आरक्षण को लेकर कई दिनों से चल रही लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हाई कोर्ट के दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मुद्दे पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शनिवार को याचिकाओं और राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने निकाय चुनावों से संबंधित सभी 93 याचिकाओं पर सुनवाई के पश्चात 27 दिसंबर तक फैसला सुरक्षित कर लिया है। निर्णय आने तक नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लागू रहेगी। तो न्यायमूर्ति देवेंद्र उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ के समक्ष शनिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान याचिका पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को दिया जाने वाला आरक्षण नौकरियों या संस्थाओं में दाखिले आदि में दिए जाने वाले आरक्षण से भिन्न है। कहा गया कि ये एक राजनीतिक आरक्षण है, न कि सामाजिक, शैक्षिक या आर्थिक। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेश महाजन मामले में ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले की व्यवस्था अपनाने का आदेश दिया था। इस ट्रिपल टेस्ट के जरिए ही पिछड़े वर्ग की सही राजनीतिक स्थिति का आकलन किया जा सकता है। याचिकाओं का विरोध करते हुए अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अमिताभ राय ने दलील दी कि सरकार का सर्वे काफी विस्तृत है और हर घर का सर्वे किया गया है। गणना से प्राप्त आंकड़ों को दृष्टिगत रखते हुए ओबीसी आरक्षण लागू किया गया है और यह भी दलील दी गई कि सरकार ने म्युनिसिपल एक्ट के प्रावधानों के तहत ही सर्वे के पश्चात ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की है।